क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद एयर कंडीशन कैसे काम करे? आजकल एयर कंडीशन हर घर का लाजमी हिस्सा बन चुका है। ये आसान साइंसी असूलों की बुनियाद पर काम करता है। इस वीडियो में जदीद एयर कंडीशन के ऑपरेशन के बारे में बात करें। बिल्डिंग्स के अंदरूनी हिस्से को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशन दो अहम हिस्सों पर मुश्तमल होते हैं, एक इनडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट। इनडोर यूनिट ठंडी हवा को कमरे में उड़ाता है, यानी ये कमरे से गर्मी को दूर करता है और इसे आउटडोर यूनिट की मदद से बाहर फेंकता है। आइए एयर कंडीशन के ऑपरेशन के बारे में बात करें। इंडोर यूनिट से शुरू करते हैं। इंडोर यूनिट के पाइप सिस्टम में रेफ्रिजरेंट बहता है। रेफ्रिजरेंट बुनियादी तौर पर बुखारात और माय का ठंडा मुरक्कब होता है। इंडोर यूनिट में लगा हुआ पंखा पाइप सिस्टम में मौजूद ठंडे रेफ्रिजरेंट से कमरे की हवा को गर्दिश करवाता है, तो कमरे में मौजूद हवा ठंडी हो जाती है जबकि रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाता है और ये मुकम्मल तौर पर बुखारात बन जाता है। गर्म बुखारात इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर में बहते हैं, जो इसे कंप्रेस करता है और इसका दबाव और दर्जा हरारत बढ़ाता है। इसके बाद गर्म बुखारात को कंडेंसर में ले जाया जाता है, जहां बुखारात और इसके गिर्दोनवा के दरमियान दर्जा हरारत के फर्क की वजह से बुखारात अपनी गर्मी को माहौल में रिलीज करता है। पाइप में बहने वाले बुखारात का दर्जा हरारत कम होने की वजह से ये माया बन जाता है। ये जुज़वी तौर पर ठंडा गर्म माया फिर एक्सपेंशन वाल्व में दाखिल होता है। यहाँ ये जमा होता है और इसलिए एक्सपेंशन वाल्व में आने वाले पाइप में दबाव ज़्यादा होता है, जबकि बाहर जाने वाले पाइप में दबाव कम होता है। जैसे ही माया एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए बहता है तो इसका दबाव अचानक गिर जाता है और इस वजह से इस माये का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये जुज़वी तौर पर बुखारात बनकर ठंडा हो जाता है। इसके बाद ठंडे मुरक्कब को दोबारा इंडोर यूनिट में वापस ले जाया जाता है।